ठोकरे खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, राह के पत्थर तो सिर्फ अपना फर्ज अदा करते। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। कल वाली क्लास में हमने बात करी थी लघु बीजाणु धानी की, उसकी परत की, मध्य स्तर वाली की और एपिडर्मिस की, टेपिटम की, इन सबकी अपने बात कर ली थी। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे पराग कण की। किसकी बात करेंगे? पराग कण की। पराग कण के डायग्राम आप लोगों ने देखे होंगे किस प्रकार के होते हैं पराग कण, और उसके बारे में आप लोगों ने चर्चा भी करी होगी। कभी आप बगीचे में निकले हों या किसी पुष्प को आपने हाथ लगाया हो, पीले रंग की जो आपके हाथ पर कुछ, या जिस कलर ज्यादातर पीले रंग कहते हैं हम, जैसे गुड़हल है आपने देखा होगा, उसके अंदर पाउडर जैसा पदार्थ आ जाता है। वो पाउडर जैसा पदार्थ ही क्या है एक्चुअली, वो पदार्थ ही क्या है, पराग कण है। तो टॉपिक डालेंगे अपन पराग कण, पराग कण है ना। सामान्य अगर हम बात करें तो सामान्यतः ये आकार में कैसे होते हैं, पराग कण, पराग कण, पराग कण। नर युग्म कोद्भिद, नर युग्म कोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व। देखो अगर बात करें अपन, कभी भी अपने पास में नर युग्म कोद्भिद की बात आएगी, हम किसकी बात कर लेंगे, सीधी सी पराग कण की, है ना। तो ये प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप देखा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि पादपों में व्याप्त पुष्प के नर भाग होते हैं। ये क्या है, जो पादप हैं उनके जो पुष्प हैं उनका नर भाग जो है वो क्या कहलाएगा, आप लोगों ने क्या देखा है, इसको पराग कण के रूप में देखा है। सामान्यतः कैसे होते हैं, सामान्यतः ये पीत कलर यानी पीले रंग के, रंग के पाउडर के समान, पाउडर के समान संरचना है। आपके हाथ पे भी कभी लगी होगी, आपने देखा होगा पाउडर के समान। कहां पर देखा जा सकता है, एग्जाम्पल के लिए आपकी बुक में देखा हिबिस्कस। देखो हिबिस्कस रोजा या हिबिस्कस जो है वो एक प्रकार का प्लांट है जिसे अपन गुड़हल कहते हैं, गुड़हल कहते हैं। और ये गुड़हल जो प्लांट है उसकी ऊपर जो पाउडर जैसी संरचना है पीले रंग की, वो सभी क्या है, हमारे पास में पराग कण ही है, है ना। सामान्य आकार आकृति कैसी होती है, तो सामान्य आकृति गोलाकार होती है, गोलाकार होती है। सामान्य आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। आप लोग जानते हैं इस तरह के पराग कण होते हैं, हालांकि इसके ऊपर एक बाह्य आवरण होता है, बाह्य चोल चढ़ी होती है जिसलिए कांटे जैसा दिखता है ना, अगर माइक्रोस्कोप से देखें अपन तो इस प्रकार दिखाता है। इसका आकार गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है, ये गोल होता है। देखिए आकार में कैसे दिख रहा है, गोलाकार होता है। इसका व्यास, डायमीटर, व्यास यानी कि यहां से यहां तक की इसकी जो लेंथ है वो 25 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 मिलीमीटर होती है। और अगर हम बात करें आंतरिक संरचना की, आंतरिक, उससे पहले अपन एक और चीज लिख सकते हैं कि भिन्न पादपों में इनकी आकृति और आकार अलग अलग होता है, ये भी लिखना है। भिन्न भिन्न पादपों में आकार व आकृति भिन्न भिन्न होती है। आकार और आकृति किस प्रकार की होती है, इनकी अलग अलग होती है। इसके बाद में हम आंतरिक संरचना बात करेंगे तो भिन्न प्रकार की होती है। इस प्रकार से हमने देख लिया कि इसकी बाह्य आकृति किस प्रकार की होती है, और बाहर की आकृति की बाद में हमको, जब हम, ये बात आप भी जानते हैं बायो के स्टूडेंट है, पदार्थ, कोई भी पदार्थ या कोई भी सजीव हो या कोई भी अपने पास में जो मटेरियल आता है उसको हम क्या करते हैं, आंतरिक भाग में भी अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं इस पराग कण के आंतरिक भाग की, अंदर की तरफ किस प्रकार से होता है। तो हेडिंग डालिए पराग कण की आंतरिक संरचना, पराग कण की आंतरिक संरचना, है ना। इसमें लिखिए पराग कण दो भित्तियों से आवृत होता है। कितने भित्तियों से आवृत होता है, दो, एक तो होती है बाह्य भित्ति, एक होती है
अंत जैसे हम कहेंगे बाह्य चोल और दूसरों को हम कहेंगे अंत चोल, अंत चोल। देखिए अंत चोल के अंदर की तरफ में जीव द्रव्य होगा। अगर मैं बात करूं इस प्रकार की तो ये बाह्य चोल जो है वो इस प्रकार का होगा, अंत चोल की लेयर जो है वो इस प्रकार की होगी और बीच में जो भरा होगा वो सभी क्या होगा, जीव द्रव्य होगा। आगे जाके इस पर भी चर्चा करेंगे अपन, है ना। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, बाह्य चोल की। सबसे बाहर कौन आएगा, बाह्य चोल। कैसा होता है यह कठोर आवरण होता है, यह कठोर आवरण होता है। किसका बना होता है, तो स्पोरो पोलेनिन का बना होता है। शब्द याद रखेंगे, स्पोरो पोलेनिन का बना होता है। अच्छा, स्पोरो पोलेनिन जो होता है वो एक ऐसा पदार्थ है जिसमें वर्तमान में जितना भी ज्ञात तत्व हैं, जितने भी हमने पता है, उनमें से सबसे ज्यादा कठोर तत्व यूं कहूंगा, या उच्च तापमान पे और उच्च अम्लीयता पर भी एक प्रतिरोधी उत्पन्न करता है। तो लिखिए यह, यानी कौन, स्पोरो पोलेनिन, यह सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक ज्ञात पदार्थ है। अभी तक में जो हमको ज्ञात है उसमें सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें सर्वाधिक प्रतिरोधी कार्बनिक ज्ञात पदार्थ कौन सा है, तो स्पोरो पोलेनिन है। और यह सबसे ज्यादा होने के कारण क्या होगा, क्या करेगा, यह उच्च ताप व अम्लीय या अम्ल पर भी इसको सुरक्षित रखता है, पराग कण की रक्षा करता है ना। पराग कण की क्या करता है, ये इस प्रकार की जो संरचना है वो पराग कण की क्या करेगी, रक्षा करेगी। अब देखो इनके बीच बीच में इस तरह के कुछ छेद होते हैं, इस तरह के, है ना, ये छेद है। इनको कहेंगे रंध्र द्वार, क्या कहेंगे इनको, रंध्र पब्लिक द्वारक, है ना। तो इसमें लिख देंगे बाह्य त्वचा पर, त्वचा या बाह्य चोल लिखना, बाह्य चोल में रंध्र द्वारक पाए जाते हैं जो पदार्थों व वायु का विनिमय करता है। बाद में जब अंकुरण की आवश्यकता पड़ती है ना, क्या लिखेंगे, पराग कणों के अंकुरण में सहायक, अंकुरण में सहायक, देखो समझो सहायक, तो समझो पूरी चोल वैसे भी यहां पर कह रहे बहुत ही हार्ड है, अम्ल से भी नहीं टूटती, तो ऐसी कंडीशन में इसको तोड़ना कठिन होगा। और जहां जहां पर भी ये छिद्र होंगे पूरे इस पराग कण पे, वहां वहां से क्या निकलेगी, पराग नलिका निकलेगी। तो एक ही निकलती है, जानक पराग नलिका, तो पराग नलिका निकालने के लिए ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, रंध्र के द्वारक बोलेंगे। अच्छा, ये किसकी बात हो गई, ये हमने बात जो करी है वो किसकी करी है, ये बात हमने करी है बाह्य चोल की। अब कौन आएगा, अंतः चोल, पतली होती है, दो ही पॉइंट इसके अंदर, तो इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं, अंतः चोल के अंदर लिख देना, यह पतली संरचना है, पतली संरचना है। दूसरी बात किसकी बनी होती है, सेल्यूलोस, सेल्यूलोस व हेमी सेल्यूलोस, सेल्यूलोस हेमी सेल्यूलोस और पेक्टिन, सेल्यूलोस को पेक्टिन कर दो, पेक्टिन की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है। तो कोई अंकुरण में सहायक है ना, पेक्टिन की बनी होती है और किस में सहायक है, ये अंकुरण के अंदर सहायक है। अब बात कौन आएगा, इसके भीतर भाए जाने वाले जीव द्रव्य का, उसमें क्या होगा, कायिक कोशिकाएं होंगी और क्या होगा उसके अंदर, जनन कोशिका होगी, दो प्रकार की कोशिका होगी। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे, चलो इसी में बात कर लेते हैं उसको, नेक्स्ट वीडियो में क्यों जाए, इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें जीवद्रव्य की, तो जीवद्रव्य प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। अगर पूरा का पूरा ये हमने डायग्राम बनाया, ये हमारे पास में बाह्य चोल आई और इसके भीतर अंतः चोल आई
और अंतःचोल के आंतरिक भाग के अंदर कौन होगी, प्लाज्मा भित्ति होगी जो इसको क्या बनाएगी, इसको पूरा कवर करके रखेगी। उसके अंदर कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो दो प्रकार की कोशिका होती है, कायिक कोशिका और एक होती है जनन कोशिका। कायिक कोशिका कैसी होती है, तो आकार में बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है ना। अच्छा, जनन कोशिका कैसी होती है, आकार में छोटी होती है, आकार में छोटी होती है, छोटी होती है। और तर्कु के आकार की होती है, तर्कु तर्कु के आकार की होती है। अच्छा, ये एक और चीज है, तर्कु के आकार की भी होती है, आकार में छोटी भी होती है। और ये जनन कोशिका जो है ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जनन कोशिका के अंदर, अगर हम बात करें तो ये गना जीव द्रव्य युक्त होती है, घना जीव द्रव्य युक्त होती है ना। और इसमें तैरती है, ये सबसे बड़ी है आकार में, मान लो ये कोशिका बड़ी आकार की है, तो इसमें ऐसा लगता है यह कायिक कोशिका में तैरती है, ऐसा लगता है कि ये कायिक कोशिका में तैरती है। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी आवृतबीजी हैं, उनके लगभग 60% जो आवृतबीजी हैं वो इसी प्रकार की संरचना को रखते हैं, और उसके अतिरिक्त बीजी में थोड़ा अलग तीन चरण वाले सिस्टम पाई जाती है। तो कुल मिला के आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने परागकण के बारे में पढ़ा है, और परागकण से होने वाली एलर्जी है या कहाँ उपयोग होता है, किस प्रकार से इसकी गोलियों का उपयोग है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।